Welcome to 51st session of Friday Fiesta. And what is Friday Fiesta? Double maza hai aur no dam. Double maza hai aur no dam. Friday Fiesta, jiska naam prem aur masti khud ke saath, prem aur masti bhagwan uncle ke saath, prem aur masti shreya ke saath, prem aur masti khud ke saath, prem aur masti sab ke saath. Friday Fiesta aur aap Friday Fiesta mein आप सब का बहुत 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 स्वागत है. और यहाँ पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब लोग हर फ्राइडे यहाँ पर आते थे. और इतने साल भर हमने जो सेशंस लिए, जो आज 51st सेशन हुआ, लास्ट टाइम हमारा 50वां सेशन खत्म हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत गर्व है हम खुद पे भी और आप सबके कमिटमेंट पे भी. सो थैंक यू. और मुझे पता है कि कुछ लोग तो हर शुक्रवार को आते ही थे, जैसे बिंदु है, यहाँ पे नरेश जी है, भगवान अंकल, और कई लोग जो थे जो रेगुलरली आते थे, कुसुम दायरा, कई लोग थे जो आ ही रहे थे एवरी फ्राइडे ऑलमोस्ट नॉनस्टॉप. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर लविंग 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 सपोर्ट. एंड नाउ वी विल गो ओवर टू भगवान अंकल एंड लेट्स हैव सम मस्ती के फवारे विद भगवान अंकल. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू भगवान अंकल. थैंक यू वेरी मच श्रेया जी. Very yes. Hearty congratulation for 51. Everybody clap and laugh. Aap century ho gayi. सबसे पहले सब लोग वीडियो को खोल लें. जो वीडियो नहीं खोलता है उसका माइंड कभी नहीं खुलेगा. आपको अपने मन को खोलना है, अभी कुछ नई नई बातें जीवन में लानी है. उसके लिए सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट है, वीडियो ओपन रखें. देखो, जीवन में खाना पीना रहना सोना सब रोज करते हैं, मगर लाफ्टर मिस न करें. लाफ्टर भी बहुत नेसेसरी है, बहुत फायदे वाली है. कोई खर्चा भी नहीं है लाफ्टर का, गारंटेड प्रॉफिट. अभी का भी लाफ्टर करो, अभी का भी अनुभव करो. और इट्स वंडरफुल फॉर योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. सो टू डू टू कम आउट ऑफ अवर मॉर्निंग टू इवनिंग ऑल द एक्टिविटीज, फर्स्ट वी विल क्लोज अवर आईज with very smiling and happy face. जो लोग इस Zoom link से जुड़े हैं, इस क्लास से जुड़े हैं, they are lucky. I so feel like that, you know, क्योंकि हर टाइम श्रेया जी नया नया टॉपिक्स लेते हैं जो हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकृतियों से हम सब गुजरे हैं. कोई खट्टी खट्टी होती है, कोई प्रकृति मीठी मीठी होती है. तो खट्टे मीठे से निकल के एक नए स्वाद लें. द बेस्ट थिंग टू डिस्कनेक्ट योर माइंड फ्रॉम मेंडेन डेली एक्टिविटीज, कनेक्ट विथ योर ब्रीदिंग. सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान दें. जैसे भी श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है. सिर्फ अपना मन अपनी आती जाती श्वासों पे टिका दें. फील करें कि मेरे दोनों नॉस्ट्रिल से बैठना बहुत कंफर्टेबल पोस्चर में है. हो सके बैक सपोर्ट न लें. जितना बैक सपोर्ट सीधा रखेंगे, सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंफर्टेबली जाएंगी. शोल्डर्स वेरी फ्री, आंखें कोमलता से बंद, बड़ा मुस्कुराता प्रफुल्लित चेहरा. हम अपने आप से जुड़ने को जा रहे हैं. Forget your body. Just observe your breathing.
ठंडी ठंडी हवा दोनों नॉस्ट्रेल से मेरे अंदर जा रही है, गले से गई, लंग्स में गई, लंग्स खुले हैं, बेली तक गई, बेली थोड़ी बाहर आई, होल्ड किया। अभी जितना धीरे धीरे एक्सेलेशन करेंगे, इतनी हमारी सिकनेस वीकनेस बाहर की ओर निकल जाएंगी। एक लंबा गहरा कॉन्शियस ब्रीथ, सिर्फ श्वासों के विचार और कोई विचार नहीं। जस्ट मेक वन डीप लॉन्ग स्लो डीप कंटिन्यूअस रिदमिकल ब्रीदिंग। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे, पूरे विचार ब्रीदिंग पे, पूरी फीलिंग ब्रीदिंग पे, पूरा अनुभव ब्रीदिंग का। बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ हम सबसे जुड़े हैं, अपनी ब्रीदिंग से कभी नहीं जुड़े हैं। हमारे जीवन में सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात है हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग है तो हम हैं। इस ब्रीदिंग से कितना दोस्ती किया है, इस ब्रीदिंग को कितना प्यार किया है, इस ब्रीदिंग को शुक्राना बोला है कभी? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में हमारी ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग के साथ हमेशा जुड़ो। दिन में कई बार ब्रीदिंग से जुड़े, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सब कुछ आपके जीवन में आपके ब्रीदिंग के अनुसार चलता है। ब्रीदिंग सही है, थॉट्स सही आएंगे, थॉट्स सही आएंगे, कर्म सही होंगे, एक्शन सही होंगे, एक्शन सही होंगे, रिजल्ट सही आएगा। एवरीथिंग स्टार्ट विद ब्रीदिंग। बाहर से कुछ चेंज न करें, जो चल रहा है उसको चलने दें। अंदर से अपने ब्रीदिंग को स्लोवर डीपर रिदमिकल कंटिन्यूअस करें। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। हर 4-5 घंटे के बाद थोड़ा फ्री टाइम मिले, ब्रीदिंग के साथ बैठो, खाली ब्रीदिंग को फील करो, ऑब्जर्व करो। अभी एक बहुत छोटी स्मॉल प्रेयर करेंगे, सब हाथ जोड़े, आंखें बंद, मुस्कुराता चेहरा। जिस जिस में आप अपनी बिलीफ रखते हो, जिस परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, मसीहा को, देवता को, माता को मानते हो, जस्ट मेक अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ प्रेयर। कंप्लीट योर प्रेयर। मन ही मन बोले कि आज मैं कितनी नसीबदार हूँ कि मुझे श्रेया जी का क्लास का मौका मिला है। ये क्लास में अपने तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इस सुंदर भावना के साथ वी स्लोली ओपन अवर आईज, ओपन अवर वीडियो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्यू लाफ्टर। अभी 2-5 मिनट के लिए बच्चे बन जाओ, बच्चों की तरह नाचो और हंसो। देखो कितना आपका सारे दिन का गम, शिकवा, थकावट सब निकल जाएंगी। और फिर ये क्लास की हर बात हमें बहुत मजे से अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाएंगे। अपने बॉडी को एकदम फ्री रखें, हाथ में कुछ न रखें, थोड़ा आसपास में जगह भी रखें मूव करने के लिए। ऑल इज वेल करो, जोर से बोलो, All ऑल is इज well. वेल, ऑल All इज is वेल। well.
मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया, बढ़िया मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। अरे बढ़िया है तो हंसो। मेरी हेल्थ बढ़िया है। बोलो मेरी हेल्थ बढ़िया है। मेरे पास वेल्थ बढ़िया है। मेरे पास वेल्थ बढ़िया है। मेरे पास पैसे बढ़िया है। अरे बोलने में खर्चा नहीं, बोलो मेरे पास पैसे बहुत है। मेरा सबसे रिश्ता अच्छा है। रिलेशन विथ एवरीबडी इज वेरी गुड। आंखें बंद के फील करें। देखो अच्छी तरह से हंसने से, जोर से, दिल से, एक श्रद्धा विश्वास रख के हंसना है। देखो सारे शरीर में ठंडक ठंडक लगेंगी, सारे टॉक्सिन, नेगेटिव इमोशन सब बाहर की ओर, कचरा बाहर की ओर। सबसे पहले हम काफी नए मेंबर्स हैं उनको वेलकम करेंगे, तो लेट्स हैव वेलकम लाफ्टर। घर में भी कोई मेहमान आता है उसको खाली मत बोलो आइए आइए, नहीं, वो तो हंस के हंसा के वेलकम करें। आए बाहर आ गई। ओहो, ऐसे करें देखने के लिए नहीं है, हाथ ये करेगा उसको फायदा मिलेगा। वेलकम श्रेया जी 51st एपिसोड। 51st एपिसोड। देखो ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी तरह हंस रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। आप भी मजा लियो, क्यों सजा दे रहे हो अपने को? अंकल वो आपके लाफ्टर क्लब के लिए हमेशा आ जाता है, आपका लाफ्टर क्लब खत्म वो लोग थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग यू आर वेलकम। और घर में मम्मी डैडी को, आसपास वालों को, सबको हंसाओ। जो बच्चा हंसता है सारा दिन, उसके उसका ब्रेन बड़ा अलर्ट हो जाता है, स्कूल में मार्क्स बढ़ जाएगा आपका, आपका रैंक बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ता है। बहुत फायदे हैं, तो करो और फिर सबको कराओ, कराने से बढ़ता है। पांच तरीके की लाफ्टर होती है। देखो एक एक सेम टोन में हंसेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो पांच तरीके की लाफ्टर है और पांचों का रिजल्ट अलग अलग है। अपने बॉडी के अंदर हर बॉडी पार्ट्स में इसका रिजल्ट आता है, तो चलो हम लोग अनुभव करें। पहले ए। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके फील करो। देखो सारी नस नाड़ियां खुल रही है हमारी, हाथों में, कानों में, पैरों के तलवों में। 72,000, 72,000 नस नाड़ियां है। हंसने से, क्लैपिंग करने से, वॉक करने से, कानों को खींचने से सारी नस नाड़ियां खुलती है। तो ये हो गया ए। अभी करेंगे ई। आंखें बंद करके अनुभव करो, फील करो। देखो मेरे कान खुल गए, किसी का नॉस्ट्रिल खुल जाएगा, आपके सारा फेशियल मसल्स खुल जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा आपका ENT बहुत अच्छा बनता है, आपको बड़ी उम्र में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
I'm 77 years, no medicine, zero, and all parts working very well. Every day laughter. So we did AE, a bit I. ये तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, अगर आप एक एक लाफ्टर कंटिन्यूअस 2 मिनट भी करेंगे तो आपको इतना बॉडी में फर्क आ जाएगा, इतना हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और हमारे हेड से केमिकल्स ड्रॉप होते हैं, वो डोपामाइन DOSE, चार डोज, चार बोलते हैं, केमिकल ड्रॉप होते हैं जब हम जोर जोर से कंटिन्यूस हंसते हैं। डोपामाइन, ऑक्सीसिटिन, सेरिटोन और एंडोर्फिन, पहले तीन केमिकल आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। और सबको मालूम होना चाहिए, हम याद रखें कि हमारी सबसे बीमारियों का मूल कारण है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। तो लाफ्टर से ये तीन केमिकल्स आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। काफी बीमारियां बिगर दवा निकल जाती है, नई बीमारियां नहीं बनती है, इसलिए हंसने का एक पार्ट ऑफ लाइफ रखें। और चौथा केमिकल जो है वो है एंडोर्फिन, जो आपकी सच्ची खुशी, रियल हैप्पीनेस विदाउट एनी सपोर्ट इज द एंडोर्फिन, जो आपकी अंदर में, जितना आप अपने को अंदर में खुश रखेंगे सो परिस्थितियां सबको आती है जाती है, मगर उसे जुड़ना नहीं है, उसके लिए हम एंडोर्फिन बहुत काम आता है। एंडोर्फिन आपके अंदर होगा आप हमेशा खुश रहेंगे, और जो खुश रहता है उसको प्रकृति अबंडेंस देती है। तो वी आर डन AEI, अभी ओ ये सबसे पावरफुल है आपके गले के लिए, थायराइड के लिए, फेशियल मसल के लिए। हाँ वेरी गुड। पूरा गला खुल गया, थायराइड भी कम हो जाता है, नया थायराइड नहीं बनता है। और गला जब भी खुलता है आपका विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होता है। कई लोग बात करने को डरते हैं, ये डर निकल जाएगा अगर आप जोर जोर से ओ करके हंसेंगे तो आपका बात करने का डर निकल जाएगा, आपका विशुद्धि चक्र स्ट्रांग हो जाएगा, उससे काफी फायदे होते हैं। और अभी लास्ट में है यू को, दूसरे को नहीं, हर बात में अपने पर जिम्मेदारी लियो। नेक्स्ट वन इज हनुमान लाफ्टर। हम अपने मुंह में अच्छी तरह हवा भरेंगे, प्रेशर देंगे चारों ओर, होल्ड करेंगे, जब होल्ड नहीं होता है तो जोर से हंसेंगे। कल सैटरडे है, आज से हनुमान को खुश करो, अभी एक बार और करेंगे, ये भी फेशियल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। चलो समय हिसाब से एक लास्ट में करेंगे। जितनी बार आप टाइम देखो जरूर हंसो। कोई आपसे टाइम पूछे बोले टाइम बताऊंगी मगर हंसना पड़ेगा, चलो हंसो। टाइम हो गया, श्रिया जी का क्लासिक है, थोड़ा
में लेट हो गए तो वरिष्ठ नहीं करने की, बोलने का कोई बात नहीं, ऐसे हंसो, इसको टाइम बताओ, फिर उसको बोलते रहे को हंसना पड़ेगा, वो उसको हंसाओ, आप हंसो, सामने वाले को हंसाओ। लास्ट में सबसे सिंपल और पावरफुल है टेलीफोन लाफ्टर, मैं बहुत यूज करता हूँ आजकल तो। मैं व्हाट्सएप पे भी पहले लाफ्टर करता हूँ, फिर मैसेज देता हूँ, फिर लाफ्टर करता हूँ, इससे सामने वाले का मूड अलग हो जाता है, आपकी बात वो पॉजिटिवली लेता है, हंसने से पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है दोनों में, तो चलो हंसें। श्रिया जी, कैन यू ओपन द विंडो, आई वांट टू सी ऑल द मेंबर्स हाउ दे आर लाफिंग। जब भी आप सामने वाले से बात कंप्लीट करो, फिर उसको बोलो आपको हंसना पड़ेगा, तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी। सामने वाला नहीं हंसेगा, बोलो नहीं फोन बंद करूंगी, फिर धीरे धीरे हंसेगा, बोलो नहीं धीरे धीरे नहीं, जोर से हंसो। वहां बच्चा पार्टी अपना मेहता के साथ में है ना। देखो सबका मैं देखता हूँ मुंह नहीं खुल रहा है, प्रभा जी का मुंह नहीं, खाली स्माइल कर रहे हैं, स्माइल नहीं आवाज के साथ हंसेंगे, आपके सारे फेशियल पार्ट, इनर बॉडी पार्ट जॉगिंग करते हैं और वो आपको एकदम वहां से ब्लॉकेज निकालेंगे। जोर से आवाज से हंसो कि बाजू वाला भी आ जाए, बोलो तुम भी ज्वाइन होके हंसो। आवाज साउंड, अभी टंग निकाल के हंसो, गार्डन में बैठे हो, हंसते नहीं हो। ये टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रोज बाहर निकाल के राइट लेफ्ट लो, आपकी सारी ब्रेन की नस नाड़ियां स्ट्रांग हो जाएंगी, तो थोड़ा बाइट करो। छोटे छोटे व्यायाम है मगर आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लाएगा, हेल्थ में बहुत चेंज लाएगा। चलो समय की वजह से हम अभी लास्ट में एक अफर्मेशन करेंगे, सारा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है, शुक्राना शुक्राना, जो भी है जितना भी है बोलो शुक्राना शुक्राना, मन में भी बोलो बाहर से बोलो। देखो पॉजिटिव नेगेटिव आता रहता है मगर हमेशा शुक्राना में रहना है। तो आज हम करेंगे जो हमारे जीवन में लाना है उसका हम अफर्मेशन, मतलब घड़ी घड़ी रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप ही कराएगा। चलो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, आई लुक पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव, आई राइट पॉजिटिव, आई ड्रीम पॉजिटिव, एवरीथिंग फर्स्ट पॉजिटिव, जो भी प्रकृति आती है बोलो हो जाएगा, ये तो हो रहा है, हो रहा है, सबको पॉजिटिवली देखो, पॉजिटिवली बोलो, आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू ऑल। लव यू अंकल। सो इसी वाइब्रेशंस के साथ हम आंखें बंद करेंगे एंड लेट अस एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जीज फ्रॉम दिस लाफ्टर। सो आंखें बंद, यस मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड करते हुए मेडिटेशन।
And just focus on your breath. लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर जाएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसीह, हे तीर्थंकर, हे परवरदिगार, हम सब बच्चे आपकी शरण में आए हैं बड़ी प्रेम और श्रद्धा से, अपने भीतर की शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, अपने सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। बड़े प्रेम और करुणा भरे दिल से हम धन्यवाद कर रहे हैं इतने समय से जो जन्म से लेके अब तक हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। हर सांसों में वो महसूस कर रहे हैं, हर सांसों में उसका अस्तित्व मौजूद है। हम उस शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग ऑल ऑफ अस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइनिंग हियर, शेयरिंग अवर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अवर ओन सेल्फ, फॉर अवर ग्रोथ। थैंक यू माई डिवाइन फॉर गिफ्टिंग ऑल ऑफ अस दिस आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कि हर शुक्रवार को समय निकाल के हम इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे परिवार को हम धन्यवाद करेंगे, टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिसिटी को, जूम को, सारी चीजों को हम धन्यवाद करेंगे। जिस स्पेस में हम बैठे हैं उस जगह को भी धन्यवाद करेंगे। हमारे लिए शांति से बैठ के सुनने के लिए एक स्पेस है, हमारे परिवारजनों का साथ है, हमारा शरीर का साथ है, हमारी सांसों का साथ है, हमारे चैतन्य का साथ है, हमारे अंदर अपने भीतर जाने की रुचि है, एक अवेयरनेस है, एक जागृति है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को बदलना है, एक भूख है, एक तैयारी है मन की, और वह सब वही दाता ने दी हुई है हमें समय पे जगाने के लिए। धन्यवाद। हमें रोज बरोज इस टॉक्सिक एनर्जी से जगाने के लिए धन्यवाद। हमें रोज बरोज हमसे ग्रेटिट्यूड करवाने के लिए धन्यवाद। रोज बरोज हमसे फॉरगिवनेस करवाने के लिए धन्यवाद। रोज बरोज के हमारे काम करवाने के लिए धन्यवाद। रोज बरोज के हमारे वार्तालाप करवाने के लिए धन्यवाद। वी आर जस्ट द चैनल एंड वी हैव गिवन बीन गिवन द रोल। जैसे कि बाहर माया है और एक ड्रामा चल रहा है, एक नाटक है, और इस नाटक में हम सबको एक एक भूमिका दी गई है। यह भूमिका देने के लिए धन्यवाद, यह रंगमंच देने के लिए धन्यवाद। और सोचो जरा,
अगर आप वो रंगमंच के एक खिलाड़ी हो, एक कलाकार हो रंगमंच के, तो कौन कौन सी भूमिकाएं अदा कर रहे हो? What are the roles are you playing in on the screen of your life, in the drama of your life? और हर एक भूमिका में कैसे बखूबी हम अपना रोल भूमिका अदा कर रहे हैं? कौन करवा रहा है हमसे? Would I like to be aware? Would I like to connect with that source energy? कि हर पल वह जागृति रहे, कि हम हमारे चैतन्य से जुड़े रहे। और हर सांसों में उसका सिमरन चलता रहे। आई लव यू, आई थैंक यू। हर आती हुई सांस में हम उस शक्ति को धन्यवाद करें। हर आती हुई सांस में उस शक्ति के लिए हमारा प्रेम व्यक्त करें। आई लव यू, आई थैंक यू का सिमरन चलता रहे हमारे भीतर। आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, I thank you, I love you, I thank you, I thank you, I thank you. Hafiz has shared that there are so many gifts still unopened since our birthday. जब से जन्म लेके आए हैं तब से बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आए हैं, बट काफी सारी गिफ्ट्स अभी तक खोली नहीं है। इट्स अनओपन्ड। देर आर सो मेनी गिफ्ट्स आर स्टिल अनओपन्ड सिंस अवर बर्थडे, अवर बर्थ। व्हाट आर दोज गिफ्ट्स? And why we are not ready to receive it? Why we have not received yet? And Louise Hay has shared, then the receiver is ready, the gift appears.
what is the hidden gift inside me appears when the receiver is ready to receive. When the receiver is ready to receive, when the receiver is ready to receive. So are we all ready? Are we all ready to receive? Are we all ready to receive? Let us ask ourselves this question. Am I ready? Am I ready? Am I ready? And slowly and steadily, let us open our eyes. So are you all ready? Are you all ready? Ready to receive? Yes, we are ready to receive. We all are ready to receive. So let's first of all, let's begin the session with opening our eyes, hands wide open. And let us declare to this universe that I am open and receptive. Open and receptive. For all the love and abundance. For all the love and abundance. And prosperity. And prosperity. Of this universe. Of this universe. And take a deep breath and absorb. And then let's share once more, declare it loudly. आप जहां पर भी हो दोनों हाथ खुला करके जोर से आपको बोलना है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, जोर से आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए. That I am open and receptive. Open and receptive. For all the love. For all the love. Abundance and prosperity. Abundance and prosperity. Of this universe. Of this universe. And let's repeat once more. Take a deep breath and absorb. And let's repeat. I'm open and receptive. I'm open and receptive. For all the love. For all the love. Abundance and prosperity. Abundance and prosperity. Of this universe. Of this universe. And so it is. And hug yourself. Put your left hand on your right shoulder, right hand on your left shoulder, and hug yourself. And just say that, yes, so it is. So it is. So it is. Yes, so it is. So it is. I'm ready to receive. I'm ready to receive. I'm ready to receive. Wow. Thank you. How does that feel like? Wow. Wow. Yes, yes, yes. So, हम लोग सब लोग तो तैयार हैं रिसीव करने के लिए. कोई बोलेगा कि आपको गिफ्ट मिल रही है, हम सब लोग तैयार हैं. हाँ, हमको चाहिए, हमको मैजिक चाहिए, हमको मिरेकल चाहिए. हाँ हाँ, हमारी लाइफ में भी हम मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ा दें. कैसे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाए? हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस शुरू कर देते हैं कि कैसे हम अट्रैक्ट करना शुरू करें, कैसे हम अट्रैक्ट करना शुरू कर दें. हम सब कर रहे हैं तो कहाँ हम चूक जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाई Louise has shared that when the receiver is ready, the gift appears. What does it mean? Aapko kya lagta hai? I want to hear all this meaning from all of you. When the receiver is ready, the gift appears. What does this ready means? Ma'am, ready means ki jo hum sochte hain inside se, hum us par aware nahi hote hain. हम किसी के लिए बुरा भी सोच सकते हैं, मतलब अंदर ही अंदर में जो सेल्फ टॉक चलती रहती है, तो वो रिसीविंग का एक सिंबल है कि क्या हम अंदर से भी अवेयर हैं, रेडी हैं. बाहर से तो रहते ही हैं गिफ्ट के लिए.
Ma'am, I mean to say, do we worthy of that? Yes, am I worthy of receiving? Yes, the biggest question, am I worthy? Thank you for sharing this, Bitti. Bitti है ना आपका नाम, blessed Bitti. Yes, yes, yes. Blessed Bitti. I think मैं आपको पहली बार देख रही हूँ session में. मैम मेरा कैमरा ऑफ होता बिकॉज इस समय डिनर टाइम होता, अभी भी मैं किचन में ही कर रही थी, मैंने ऑडियो ऑन करके अफर्मेशन बोली है पर मेरा वो कैमरा ऑफ था तो मुझे लगा कि इसका आंसर मुझे, क्योंकि मुझे कभी मैंने एक बार कहीं ये भी सुना था कि हीरे को पहले आप हीरा लेने के काबिल हो, तो मुझे ये बात उससे मैंने कोरिलेट की कि Do you worthy of buy a diamond? जब आप उसको संभाल नहीं सकते या आप उसको मतलब उसके काबिल ही नहीं हो, तो वो correlate किया मैंने आपकी बात को. Wow, wow, thank you very much. Yeah, what else? Who all wants to share that? Am I ready? Why Ruiz has shared that ready? Rashmi is telling willingness. So, am I ready? What does that readiness means? Hi Shreya. Hi, who is this? Kaniz. Hi Kaniz, how are you after a long time? Yeah, thank you so much for this classes. Yeah, yeah. Tell me. ये मुझे, I feel that मुझे ऐसा लगता है कि जो blockages हैं, what is stopping us, वो release हो गए हैं क्या हमारे अंदर, जो उसको लेकर जो negative feelings वो रिलीज हो गए और हम उसको इजी वे में हैप्पीली विद ग्रेटिट्यूड रिसीव करने के लिए रेडी है. ओके, सो नेगेटिव जो फीलिंग्स जो है आपके, वो आप कह रहे हैं कि काफी सारे रिलीज हो चुके हैं और अभी ग्रेटिट्यूड में आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो. ब्यूटीफुल, सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट रिलीजिंग ऑल द ब्लॉक्स व्हिच इज द ब्लॉकेज फॉर बैरियर्स फॉर रिसीविंग प्रॉस्पेरिटी. Okay, thank you so much. What else? Do we trust the universe to give us the gift? Yes, yes. Do we trust that gifts are available to us? Do we trust that the gifts are available to us? Question. Thank you, Anjali. So we are talking about negativity. We are talking about worthiness, we are talking about trust. Thank you very much. What else? Sometimes self-doubt. Self-doubt. Yes. So self-doubt is coming from lack of trust. That I don't trust, and that's why there are so many doubts that do I really worthy of receiving gifts? So you know, ma'am, one more thing I want to say. Surrender is also one of the point. Mm-hmm. Okay. So मतलब we have to say, मतलब we have to trust on the universe. अगर आपने बोलते ना order दिया है तो वो आएगा ही, like surrender. Okay. Order दिया है तो आएगा ही, तो ये surrender रखना मतलब trust रख के सबर रखना, patience, श्रद्धा and saburi, जो साई बाबा कहते हैं. श्रद्धा रखो मतलब trust, और saburi means patience. So श्रद्धा और saburi. So आप कह रहे हैं कि कई बार हम patience चुक जाते हैं और हम ट्रिपेशन चुक जाते हैं तो हमें शंका होने लगता है कि अरे आएगा या नहीं आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना. और ये सारी चीजें हमें फिर डाउट्स क्रिएट करके हमारे ब्लॉकेजेस बन जाती है, प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस. ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच. व्हाट एल्स, हु एल्स वांट्स टू शेयर? आई एम लविंग द कॉन्वर्सेशन, सो कंटिन्यू. मेरा काम आसान हो जाता है. या प्रभा. So what keeps us away from the gift would be, mm-hmm. first, am I asking for a gift? Exactly. Am I clear with my asking? The clarity of what do I want? Yes. Many a times we don't even know what we want. We don't ask. And yes. Secondly, once I ask, like what everyone else said, in another way to say is, am I a vibrational match for that? Like she just mentioned, the diamond, am I worthy? So am I a vibrational match to the gift that I want? Now I'm looking for a sunroof car. Yeah. However, something is stopping me still to go and get that, right? A Creta. So yeah. I realized there is some vibrational match with that mindset that I need of how someone who's driving a Creta with an open sunroof has.
So that's something that came to me. Yes. That gift is not coming. Yeah. In my experience, because I'm not yet a my vibrational match to an open sunroof car. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Prabha, for sharing this. So the first thing what Prabha shared is about my ask. Am I clear about my ask? And sometimes, you know, when we are asking, like, you know, if some like Rhonda Byron ki apni magic kitab mein likha hua hai ki when she was completely bankrupt, jab uske paas kuch bhi nahi the, relationship mein bhi wo ye ho chuki thi, zero level pe aa chuki thi, health bhi achhi nahi chal rahi thi, aur us samay mein unhone ek bahut hi badhiya vision dikha tha. और वो विजन क्या था, जब आपका बिजनेस पूरा क्लोज हो रहा है और सब कुछ लाइफ में जीरो लेवल पे आ जाता है और उस समय पे वो एक विजन लिख रही है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया घर है या बंगलो है विच इज सी फेसिंग ओवर लुकिंग द सी एंड इट्स अ ह्यूज बंगलो विच वेयर आई एम स्टेइंग एंड आई हैव अ ह्यूज ऑफिस वेयर माय बिजनेस इज ग्रोइंग नाउ दिस काइंड ऑफ एंड प्लस रिलेशनशिप प्लस हेल्थ शी हैज रिटन मेनी थिंग्स In that magic book, it is mentioned, right? मैं सोच रही थी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जब मैं bankrupt हूँ, जब कुछ भी नहीं हो मेरे पास, और पता है कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वो जगह भी निकल जाएगी मेरे हाथों से, कभी भी फिसल सकती है, क्या उस समय पे मैं वो clarity से लिख सकती हूँ? और लिख भी लेते हैं, तो भी बहुत सारे doubts आते हैं. शंका आती है, यू नो, वी डाउट अवर ओन सेल्फ. लिख तो दिया है क्या, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, लिख दिया. सब लोग बोलते हैं लिखो लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, कर दिया. लेकिन एम आई रियली, कैन आई गेट इट, कि ये सिर्फ सपनों की दुनिया में रह जाएगा? कितनी बार कितने लोगों को ये शंका होती है, बताओ. करियर के बारे में, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, Anyway, whatever you want, और health के बारे में, समझो आपकी health बहुत ही deteriorate हो चुकी है, बहुत ज़्यादा deteriorate हो चुकी है, और आप vision में लिख रहे हो कि I am very healthy, vibrant, और maybe I am jogging, I am running, maybe whatever it is, and which you know that in this current reality, I don't see possibility, but at that time, I have so many doubts. I have so many doubts. So With my doubts, how am I going to manifest it, right? So what we are talking about all here is we are talking about the prosperity barriers. Prosperity barriers. Why I've come to prosperity? Because what is gift? Gift is a sign of prosperity, isn't it? When you are dwelling into prosperity vibrations, then you will attract gifts because you are vibrating with that energy. Your energies are attracting gift. देखो सबको गिफ्ट मिलती तो वो गिफ्ट ना बोलते ना हम, लेकिन आपको चुना जा रहा है और आपको मिला जा रहा है और मिल रहा है, that means that is a gift. So that means that you are the chosen one. That means your energies are so vibrant कि वहां पे 50 लोग थे लेकिन लॉटरी एक को मिली, तो आपको वो मिली because you are the chosen one, because your energies have attracted that gift. So The gift, when we say that, gift is a receiving gift, is a sign of prosperity. Right? So, yahan par hum wo baatein karne wale hain ki what are my barriers? Now, what is prosperity? We are going to talk about that. But before we go for that, I want all of you to do one exercise. Right? And all of you, please close your eyes. Close your eyes and take a deep breath. And hold the breath. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. And hold on and hold on and hold on and hold on. And hold on. And जैसे ही आपका सांस बाहर निकलता है, आप लोग आंखें खुलेंगे. जिसकी विंडो खुली है वो मुझे दिखेंगे. जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, आप आंखें खोलेंगे. लेकिन आपने पकड़ के क्यों नहीं रखा? नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. क्यों आपने पकड़ के नहीं रखा? सी, ब्रेथ इज द बिगेस्ट गिफ्ट वी आर रिसीविंग, इजंट इट? जैसे अंकल कह रहे थे कि हर एक सांस को क्या हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्या आती जाती सांस को
तो सांस तो बहुत सबसे बड़ी गिफ्ट है और द ब्रेथ इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी राइट बट व्हाई एम आई नॉट होल्डिंग दिस suffocation if you hold it if you hold right breathless breath अंदर से ऐसा लग रहा है कि कभी निकालो और फिर नई सांस लो है ना वो ऐसा वो स्पेस किसी ने लंबे समय तक पकड़ी लंग्स मजबूत हैं सो डजंट मैटर कितने भी आपके पावरफुल लंग्स होने दो कितने भी पावरफुल चैंपियन होने दो आप लंग्स मजबूत होने दो कितने समय तक आप इसको होल्ड कर पाओगे देयर इज अबंडेंस ऑफ एयर राइट उसमें कुछ कमी नहीं है बट कितने भी आप चैंपियन हो कितने भी आपके लंग्स मजबूत हो जितने भी अबंडेंस ऑफ एयर है हमें उस सांस को छोड़ना पड़ता है जब वो सांस को छोड़ेंगे तो नई सांस आएगी जब वो सांस को छोड़ेंगे तो नई सांस आएगी Isn't it? That is, we all know. Come on. It is all yes. Yes, we all know. So we have to breathe out to breathe in. Yes. We have to breathe out to breathe in. Isn't it? So, but if we hold on to the breath, what is happening? We also observe that this is where we are. When I'm holding the breath, this is what is happening. Suffocation. एंड ऐसा लगा कि कभी इसको छोड़ू और कभी नया सांस में ले लू सो दिस इज वेयर वी हैव टू चेक दैट व्हाट आर वी होल्डिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग अस टू ट्रस्ट बिकॉज देर इज सम इंस्ट्रूमेंट इनसाइड मी इज नॉट अलाउिंग मी टू ट्रस्ट देर इज सम इंस्ट्रूमेंट इनसाइड मी विच इज नॉट अलाउिंग मी टू मेक मी फील दैट आई एम वर्दी There is some instrument inside me which is not allowing me to trust and create doubts and doubts and doubts. So, what is it that is creating doubts? Where we are missing the bus that we are not able to trust? So, again, I want to take all of you in a small meditation. And in this meditation, I want all of you to just check out. I will be guiding you. And I want you to check out what is it that you are holding on. So let's close our eyes. And take a deep breath. Every breath is a sign of prosperity because every breath is a gift from the divine. Every breath is a gift from the divine. No matter how much my lungs are powerful, and no matter there's abundance of air. And you can breathe abundantly. But breathing out is also so very much important. How long can we hold the breath? Not for a long time. Otherwise we start feeling suffocated. So that means that when the breath is a gift from the divine, when the breath is a sign of prosperity, and I can't hold on to anything, that means that prosperity is a flow. Prosperity needs movement. Prosperity needs flow. Prosperity needs balance. Prosperity means balance. Prosperity is being in balance. Breathing in and breathing out.
to receive something new in our life, we have to breathe out. We have to let go. We have to let go. So now check your inner instrument. Where I am holding on? Where am I holding on? And what am I holding on? Am I holding on to my past? Am I holding on to my hurt feelings? Am I holding on to my hatred? भले वो बड़े बड़े नहीं हो, कुछ लोगों के लिए बड़े बड़े हो, कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे हो, डे टू डे लाइफ के हो. वेयर देर आर स्मॉल इरिटेशन, वेयर देर आर स्मॉल रेजिस्टेंस, एरियाज विच ट्रबल्स अस, एरियाज वेयर वी लूज अवर पीस एंड अवर माइंड बिकम्स इनटू पीसेस. What are we holding on? Grudges? What am I resisting to let go? Am I holding on to my past mistakes, past wrong decisions? Am I holding on to all the hurts? लोगों के dialogues हमें याद रहते हैं. उसने ये कहा था, उसने वो कहा था. कभी मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं बदला लेके रहूंगी. क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है? What are you holding on? What are you resisting to let go? Your doubts, your fears. If it is fears, what are the fears which you are holding on? Are you afraid of your health, your wealth, your relationship? What are the fears? Ki kya hoga mera? Aage kya hoga? Are you afraid of future? क्या है डर आपके अंदर जो आप पकड़ के बैठे हो? You are holding on. What are those guilt feelings you are holding on? This is a checkpoint. It is giving us an opportunity at what I need to release. What am I resisting to accept? कौन सी रियलिटी को मैं रिजेक्ट कर रही हूं? What am I not ready to forgive? Whom am I not ready to forgive?
myself, others. Where am I not ready to break my comfort zone? And I don't want to come out of my comfort zone. Where am I not ready to explore something new? Which are the habits you know that is not empowering you? But you are not able to let go those habits. You are not able to break those patterns. The things which are barriers are clearly now visible. And what am I doing for this? So just go deep within. Are you ready to let go? Are you ready to drop all these habits and patterns? And let us pray to this divine, and let us pray to the universe, and declare it to the universe that I am ready to drop all the barriers which is not allowing me to receive my prosperity. Let us declare to the universe that I am ready to release. And if you are not ready to release yet, you can say that I am willing to release. 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 Just sit straight, Goduli. When we are doing meditation, if possible, sit straight. I am ready to release. I am ready to release. I am ready to release. And let us ask forgiveness from ourselves. Let us ask forgiveness from this universe. पहले तो सबसे पहले हम अपने आप को माफ करेंगे. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जहां जहां पर भी हमने अपने आप को
कोसा है, अपने आप को डांटा है, अपने आप को अब तक माफ नहीं कर पाए कई सारी चीजों के लिए। मैं आज अपने आप से माफी मांग रही हूँ, जहाँ पर अपने आप के लिए मैं लड़ी नहीं हूँ, जहाँ पर मैं अपने आप के लिए I'm not stand up for myself. मेरे हक के लिए मैंने लड़ाई नहीं की है। I am sorry. Please forgive me. जहाँ पर मैंने अपने अस्तित्व को कुचल दिया है। I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. जहाँ पर भी मैंने मेरी सारी क्षमताएं, मेरे अंदर के सारे पोटेंशियल्स है, सारी कलाएं हैं, उस सब का गला घोंट दिया है। आज मैं अपने आप से माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जहाँ पर मैं अपने आप को भला बुरा कहती रही हूँ और अपने आप पे विश्वास ही नहीं किया है मैंने, आज मैं अपने आप से माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जहाँ पर मैंने बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अपने आप को बोला है कि तू इस सपनों की अधिकारी नहीं है, यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस ड्रीम्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जहाँ पर मैंने अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं और प्रेम और सम्मान के लायक हूँ, और अपने आप को मैं छोटा बना दी गई हूँ, अपने आप पे शंका कर दी गई हूँ, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. जहाँ पर मैंने समझा ही नहीं कि ये कुदरत मुझे इतनी सारी गिफ्ट्स और तोहफा देने के लिए तैयार है, बेताब है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया ये कुदरत पे भी, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. जहाँ पर मैंने खुद को प्यार ही नहीं किया, खुद के लिए समय ही नहीं निकाला, खुद की कदर ही नहीं की, खुद को हमेशा डीमोटिवेट किया, खुद को हमेशा निगलेक्ट किया, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. And today I choose to declare that yes, I am worthy. हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, आई एम रेडी, आई एम वर्दी एंड आई एम रेडी टू रिसीव, 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 आई एम रेडी टू रिसीव। Now I am ready to trust in the universal power. Please forgive me. Thank you. Keep breathing and keep taking conscious breaths. I'm sorry. Please forgive me. अभी मैं विश्वास रखने के लिए तैयार हूँ. Now I am ready to tune with the universal powers of manifestation. Thank you. Now I'm ready to become a magnet. I am a magnet. Please forgive me. Thank you. And yes, I can do everything. जहाँ जहाँ पर मैंने अपने आप को कंपेयर किया है दूसरों के साथ, दूसरों की इतनी प्रगति हो गई, दूसरे इतने आगे बढ़ चुके, मैं पीछे रह गए, और दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हुए
या अपने पास्ट के साथ भी अपने पुराने सेल्फ के साथ कंपेयर करते हुए, देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और अपने पुराने सेल्फ के साथ भी कंपेयर किया, मैं पहले ज्यादा कमा लेती थी, मैं पहले ज्यादा सुंदर दिखती थी, मैं पहले ज्यादा दुबली पतली थी, अच्छा फिगर था मेरा, अच्छी थी मैं, जहां जहां पर भी आपने कंपैरिजन किया है, मेरे दोस्तों की शादियां हो रही है, बच्चे भी आ गए, मैं अभी तक कुंवारी बैठी हूँ, जहां जहां पर भी आपने कंपैरिजन करके आपने आप को छोटा बना दिया, मेरे दोस्त ज्यादा कमाने लगे, मैं पीछे रह गई, मेरे दोस्तों के सारे सपने साकार हो रहे हैं, जो सोचते हैं वो सारा वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, जहां जहां पर भी आपने अपने आप को छोटा बना दिया है, अपने अस्तित्व को छोटा बना दिया है, I am sorry, please forgive me, I love you and I thank you. आप अपने अंतरात्मा से माफी मांग रहे हो, जो दिव्य शक्ति आपके भीतर है, उस दिव्य शक्ति से आप माफी मांग रहे हो कि मेरे अहम भाव ने इस दिव्य शक्ति के साथ मुझे जुड़ने नहीं दिया है, मेरे अहम भाव ने मेरे अंदर के भीतर की शक्ति पर विश्वास करने नहीं दिया है, एंड टुडे आई चूज टू ड्रॉप दिस ईगो सेल्फ, टुडे आई चूज टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, तो अभी एक मिनट तक शांति से अपने भीतर जुड़े रहेंगे और अपने अंतरात्मा से दिल से माफी मांगेंगे, I am sorry, मुझे माफ कर दो, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. हम अपने आप से माफी मांगते हुए हम हमारे चैतन्य के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हफीज ने कहा है कि देर आर सो मैनी गिफ्ट्स स्टिल अनओपन्ड सिंस अवर बर्थ, तो ऐसे हमारे अंदर सचमुच बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी हिडन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल्स है जिसको हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, आउट ऑफ ऑल दिस बैरियर्स आज हम अपने अंतरात्मा से माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे तुम पर पूरी विश्वास है, श्रद्धा है, एंड आई एम कनेक्टेड टू माय इनर बीइंग कंप्लीटली एंड डीपली, इच्छा करवाने वाला भी तू है, डिजायर देने वाला भी तू है, उसका विजन बोर्ड पे विजन लाने के वाला भी तू है, मुझसे एक्शन करवाने वाला भी तू है, मुझ पे डाउट करवाने वाला भी तू है, मेरे भीतर श्रद्धा लाने वाला भी तू है,
और उसके रिजल्ट्स की पेशेंटली शांति से धीरज से उसके रिजल्ट के लिए रुकवाने वाला भी तू है, वह शांति और धीरज और वो सबूरी देने वाला भी तू है। आई एम जस्ट अ चैनल। और जिंदगी के हर एक दिन हर एक पड़ाव में तू मुझे तैयार कर रहा है, मुझे बहुत सारी सीख दे रहा है। यू आर टीचिंग मी सो मेनी लेसन्स दैट व्हाट आई एम सपोज टू ड्रॉप। लाइफ इज ऑल अबाउट अनलर्निंग। व्हेन वी अनलर्न देन वी कैन हैव अ न्यू थिंग। So you are teaching me this, you are guiding me this, and I'm so very much happy, thankful, grateful to you. Thank you. Thank you. I'm willing to trust. I'm choosing to trust. Yes, my divine knows. What am I ready for and which gift are on the way? And let the divine decide. I am just a happy, curious child in the lap of Mother Earth, in the lap of Divine Universe. I am just a happy, curious child. Aur jo tera prasad, wo sab ke liye main taiyar. I'm just a happy, curious child. I'm sorry. Please forgive me. Slowly. I love you. Thanking the universe. Let us come back in this moment. Smile on our face. With a big smile on our face. And let us feel so blessed. Let us feel so blessed. And from this peace of, you know, when we forgive, when ask forgiveness, hum kitna sara kachra hamare bhitar se nikal dete hain, kitna sara bojh hum nikal dete hain. So I humbly request all of you that please, डे टू डे ये क्लीनिंग बहुत जरूरी है। डे टू डे जो भी आपको लग रहा है, थॉट टू थॉट लेट अस क्लीन अवर सेल्फ, लेट्स बिकम अ थॉट हीलर। अवर खुद के हम थॉट हीलर बन जाए। जैसे ही विचार आया नहीं कि हम उसे बाहर निकाल रहे, धन्यवाद करते हुए, फॉरगिवनेस मांगते हुए, एंड लेट्स रिलीज ऑल अवर गिल्ट फीलिंग्स, ऑल रिग्रेट्स, ऑल द कंपेरिजन वाली फीलिंग्स, जहाँ पे हमने अपने आप को छोटा बनाया, सब कुछ डे टू डे क्लीनिंग करते रहें। जैसे जैसे ये सारी चीज हम होल्ड ऑन कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी मुट्ठी बंद है, तो लेंगे कैसे? हमें लेने के लिए हाथ खोलने पड़ेंगे। सो जो मुट्ठी हमने बंद करके ये सारी चीजें पकड़ के रखी है, उसको छोड़ेंगे, एंड छोड़ेंगे तो नई चीजें मिलेगी, है कि नहीं? मुझे एक कहानी याद आ रही है कि बंदर को पकड़ने के लिए है ना, हमेशा शिकारी क्या करता था, मदारी या शिकारी जो भी बोलो, वो हमेशा क्या करता था कि एक बॉटल में चना रखेगा, और चना का जो है वो बॉटल का जो नेक है वो इतना छोटा होगा कि उसका हाथ तो ऐसे चला जाएगा अंदर। बट नाउ अभी उसने चना ले लिया तो उसकी मुट्ठी की साइज बड़ी हो गई, एंड नाउ यू कांट रिमूव योर हैंड। एंड दैट इज हाउ वी ऑल वांट टू रिसीव गिफ्ट्स। वी ऑल आर वेरी डेस्परेट, वेरी ईगर to receive prosperity, but we are not in balance. Somewhere we are missing out our balance. So ek nayi saans lene ke liye breathe out karna zaruri hai. Same way, let us breathe out all these impurities. Let's make ourselves pure and let's be ready to receive. So how are you all feeling? वंडरफुल मैम, वेरी लाइट। हर एक जो कॉर्नर होता है ना, वो सारा आपने कवर कर लिया आज।
इमेजिन हम लोग वापस यही संडे को एक फ्री सेल्फ मास्टर क्लास करने वाले 2 घंटे का, और जहाँ पे हम बहुत सारी बात कर रही है। तो 45 मिनट्स का सेशन हुआ था, 8 बजे हमने शुरू किया, तो फिर हम बहुत सारा खजाना लूटने वाले हैं, बहुत सारा खजाना लूटेंगे, हकदार है उस खजाने के। एग्जैक्टली, हम हकदार है उस खजाने के। यस, वेरी गुड, यू आर वर्थी, वेरी गुड। एंड देन जो लोग रिट्रीट में आ रहे हैं वो और भी हकदार है। इमेजिन कितना हम गहराई में जाएंगे, जहाँ पर हम बहुत सारे एट अ डीपर लेवल वी आर गोइंग टू रिलीज अ लॉट। यू नो दिस रिट्रीट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ रिलीज वर्क, सो वेर आर डिफरेंट 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 एक्सरसाइजेस वी आर गोइंग टू डू only for release work. So those who are the chosen one is going to choose the retreat, and they are going to clean their clutter. So yeah, so everything, even you know, when you are choosing something, you know, you are the chosen one, that's why you are choosing. Otherwise, you know, kai sare log mere paas aate hain hamesha, jab main tu 2 din ki helio life workshop pe declare karti hu, sab log bolte hain aana hai aana hai aana hai, और फिर लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे, रात को मैसेज आएगा कि माय मदर इज इन हॉस्पिटल, आई कांट कम, और सम इमरजेंसी हैज कम एंड आई कांट कम, समथिंग और द अदर थिंग विल पॉप्स अप एंड इट्स इन दैट आई कांट कम, बिकॉज यू आर नॉट रेडी, सो यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू। बट दोज हु आर रेडी, यूनिवर्स इज गोइंग टू चूज यू, एंड यू आर गोइंग टू चूज व्हाट यू वांट। सो उसी तरह से जैसे मैं 2 दिन की वर्कशॉप की बातें करती हूँ, या फिर बुक स्टडी क्लब की बातें करती हूँ, कुछ भी हो, see where you are going to, what you are going to do. ये 45 minutes में हमने क्या किया, क्या किया, सिर्फ अपने अंदर जाग के देखा, introspection किया, we cleanse our toxic energies, right, and we energized ourselves. Imagine, this is the food, the nourishment your soul wants. But we are thinking about everything else, but we will not give priority to this nourishment which our soul wants. So because that goes at our last priority many a times. So this is where we have to be now alert. And if I want to receive effortlessly, easily, how people are becoming magnet easily is because they are nourishing it. See, देखो किताबें पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसको ऊपर अपनाना अलग बात है। जैसे कि अभी यहाँ पे है अदिति जो कोशा है, यहाँ पर आशा गुप्ता है, जो लोग अभी मेरे करंट बुक स्टडी ग्रुप में है। And every time we are going deeper, we again go ask question, we again meditate. It's not just book reading. So we want you to keep, it's just knowledge to ikattha karke to koi matlab hi nahi hai. Mujhe to meri life mein jaag ke dekhna hai ki kahan main gadbad kar rahi hu, wahan pe mujhe apna instrument tune karna hai. In fact, isiliye maine book study club ka fees bahut low rakha hai, minimum I think what 1300 per month. And we are having 12 sessions, hardly 100 rupees or 125. What is it? 100 rupees to hum din ka aise nikal ke le lete hain, nikal jata hai. But we are, you know, we have to choose all of this which nourishes our soul. We really have to, you know, we read almost now, abhi last chapter pe hai, Life Loves You book. Such a beautiful book. Agar aap logon ko opportunity mili, zarur padhiyega khud bhi. या अगर कई लोग मेरे पास रिकॉर्डिंग्स खरीद रहे हैं कि हमारे पास कई सिंगापुर हांगकांग में रहने वाले टाइम सूट नहीं हो रहा है, तो दे सेड कैन वी हैव योर रिकॉर्डिंग्स एंड वी विल बाय द रिकॉर्डिंग्स एंड वी विल गो थ्रू। सो व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 ईदर दिस प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म वेर यू कैन रियली नरिश योर सोल, नॉट ओनली जस्ट गेनिंग नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बट यू कैन नरिश योर सोल, प्लीज टेक द अपॉर्चुनिटी, keep yourself cleaning, keep your soul nourished all the time, so that you are constantly a magnet for receiving gifts, right? So thanks to all of you. Anybody wants to share anything before we depart? It was beautiful, Shreya. You know, like I was just doing some work and then I just went to the group and I was like, okay, you have this, and I just locked in. And I was actually doing this prayer, I'm sorry, but there was no effect. And when you started, I'm like, wow. And it was like I went deep into Kiki, what is holding me, which I'm going to personally text you. But it was just like, and deep down, I was just asking universe, I want a prayer, somebody just do it. Some, and you today, I can't tell you, like, I'm just free. You know, the
Exactly. I don't have words. I actually don't have, because I was just asking universe deeply, because I was talking to somebody and I was not, but the Vahape in the session, you know, like whenever I see you, I start smiling. So in that thing, I was there, but I was feeling very awkward. I was not feeling like it's a talk or something, because I don't feel like, you know, like at times, karne ke baad itna show off karke baat karna, if you have served somebody or something or like that. It something was there, and I was continuously feeling little guilt. I'm sorry. No, and I deep down I was just asking, wish, universe, kahin se somebody, let's take into a prayer. And uske baad I just locked in. And it just came as a wind. Super. It touched me and just said, like, come on, it's okay, you are a human. This is a proof that जब आप दिल से मांगते हो कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है तो रास्ता बन जाता है. Because you दिल से मांगा कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है, कोई तो कुछ तो मुझे दे. अपने आप से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, अपने आप से मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ. So I want some holding hand. जैसे कि एक बच्चा चल रहा है, वो अपने आप से चल नहीं पा रहा है. Even sometimes it's not just this, like, you know, for us also, we as a coach, we also feel ki, you know, we are stuck somewhere. Like Prabha is a life coach. Prabha also knows very well. So we all want these energies, this soul nourishment. You know, we need this collective energies where we are together, we are, you know, walking on this path. We are like-minded people. And jab is samay pe jab hum meditation kar rahe, or with all this, all of you are with the same intention that what is holding me back, I want to release. So there is such a huge collective energy of release work. At the same time, universe mein abhi jahan pe bhi jitni jagah pe ye meditation ho raha hoga, wahan ki energies bhi hamare saath jud jati hai, and then you, it becomes so easy. So what you felt, Goduli, ki I was just on my own when I was doing it, was not touching my heart. But when I joined this program, somebody took, you know, there was some, isliye main last moment tak sabko message karti rehti hu, please join in. So jab aapne, you, universe also made you open the mobile, universe also made you open the Zoom, and you got it, what you wanted. That also after almost 1 hour, just you were starting and I joined it. Uske pehle, I won't lie, in front of so many people, I didn't have any gratitude to write. But I think right now I can write 20 gratitude. Beautiful. Because my heart is just filled. Uske baad I was just kiki, I don't want to do journaling. And uske baad I was going to the guilt. I locked in. You freed me from the guilt. And I had, kiki, you are a human. Emotions are okay. Breathe. Super. Very good. Very, very good. Thank you so much. See, when the receiver is ready, this is the complete sentence which proof that when the receiver is ready, the gift appears. So from the bottom of your heart, when you prayed, when you set an intention and you prayed to the universe that main apne aap ko surrender kar rahi hu ki apne aap se mujhse nahi hone wala hai, and I want some help. You were shout, there was a shout out that I want some help. So that means that aap apne ego self ko, aham bhav ko pura surrender karke universe ko bas dil se aapne pray kiya. And that's what you get, the gift. When the receiver is ready, the gift appears. Thank you so much. Thank you, Gojali. Yeah. So all the best to all of you. And next session will be our last session. And then we are completing 1 year's journey, 52nd session. And I'm really proud about myself also, my commitment also. And I was proud about all of you also. So next Friday will be the last session. Then I'm taking a pause. And let's see that when and what universe wants me to do as a second season, whatever comes up, I'm ready as a channel, always a channel in the divine hands of universe. Thank you so much, and I love you all. Thank you, Shreya. Thank you, Shreya. Thank you. Thank you, Naresh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.